ट्रेन हादसा, ट्रक, मोटरसाइकिल या कार हादसा जितनी मामूली बात नहीं होती। जब ट्रेन के हादसात होते हैं तो वो अक्सर मोहलक साबित होते हैं, और इसकी हालिया खौफनाक मिसाल हम सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस के तसादुम की सूरत में देख भी चुके हैं। इस हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस की चंद बोगियाँ ट्रैक से उतर कर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की पट्टी क्यों उतरती है? तो आइए हम आपको बताते हैं ट्रेन की पट्टी से उतरने की चार बड़ी वजूहात। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ट्रेन की पट्टी से उतरने की सबसे बड़ी वजह खुद रेलवे ट्रैक होते हैं? जी हाँ, ट्रैक से मुतालिक मसाइल में ट्रैक और ट्रेन के दरमियान में मुताबिकत ना होना, ट्रैक की ज्योमेट्री दुरुस्त ना होना, पटरी की साख्त और पटरी के जोड़ में खराबी या फिर वेल्ड ज्वाइंट टूटने समेत दीगर कई मसाइल शामिल हैं। नंबर दो पर है आलात की नाकामी। रेल की पट्टी से उतरने की दूसरी सबसे आम वजह ट्रेन के अपने आलात की नाकामी या खराबी है। इसमें ब्रेक फेल हो जाना, बेरिंग या पहियों में खराबी और ट्रेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी शामिल हैं। टूटे हुए पहिए या खराब एक्सल भी इस हादसे की आम वजूहात में शुमार किए जाते हैं। इंसानी गलती और लापरवाही तीसरी आम वजह है ट्रेन की पट्टी से उतरने की। इंसानी गलती में ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होना, हिफाजती इशारों की पासदारी न करना, ऑपरेटर से किसी मसले पर बातचीत न करना, तोड़ फोड़, स्विचिंग या मेन लाइन उसूलों के खिलाफ वर्जी, ट्रैक स्विच गलत तरीके से सेट किए जाने या ख़राब जिस्मानी हालत में ड्राइवर का ट्रेन चलाना शामिल हो सकता है। तेज़ हवाएं, लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और बर्फानी तोदों का गिरना इस मखसूस हादसे की चौथी बड़ी वजह है। यही वजह है कि ट्रेनें तूफान और बर्फबारी के दौरान नहीं चलाई जाती, हालांकि ऐसा लगता है कि वो मुतासर नहीं होंगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।